नमस्कार, एसटीवी न्यूज ऑनलाइन में आपका स्वागत। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। राजर्षि भरतहरि मत्स्य विश्वविद्यालय में हुआ शिलान्यास, उच्च शिक्षा मंत्री किरण महेश्वरी ने प्रशासनिक कार्यालय और परीक्षा कक्ष से की शुरुआत। दलित समुदाय ने निकाली रैली, एससी एसटी एक्ट पर फैसले का किया विरोध, भरतपुर कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। राज्यसभा सांसदों की हुई विदाई, पीएम ने दिया उद्बोधन, हमेशा खुले रहेंगे पीएमओ के दरवाजे। सीबीएसई 10वीं और 12वीं की दो परीक्षाएं होंगी दोबारा, सीबीएसई ने वेबसाइट पर दी सूचना, परीक्षा की तिथि की नहीं हुई अभी घोषणा। और अब समाचार विस्तार से। भाजपा राजस्थान में तीन उपचुनाव हारने के बाद मुख्य कारणों को ध्यान में रखते हुए अलवर में रुके हुए विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करना चाहती है, ताकि विपक्ष को आने वाले विधानसभा चुनाव में ये मुद्दे न मिल पाए। इसी कड़ी में अलवर में रुके हुए कामों को गति देते हुए राजर्षि भरतहरि मत्स्य विश्वविद्यालय में प्रशासनिक और परीक्षा कक्ष का शिलान्यास किया गया। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने अलवर के ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और मिनी सचिवालय सहित मत्स्य विश्वविद्यालय जैसे रुके हुए कार्यों को चुनाव में भुनाया था। अब सरकार उन कार्यों को गति देने में लगी है। इसी कड़ी में अलवर ग्रामीण विधानसभा में हल्दीना में स्थापित राजर्षि भरतहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के प्रशासनिक और परीक्षा भवन का शिलान्यास उच्च शिक्षा मंत्री किरण महेश्वरी ने किया। इस दौरान किरण महेश्वरी ने आज के दौर में ग्रामीण क्षेत्र में आए परिवर्तन में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अहम भूमिका बताया। उन्होंने भाजपा शासनकाल में कराए गए विकास कार्यों पर कहा कि आज गांव-गांव में बिजली, पानी और सड़कें बनी हैं। पहले कभी एक हैंड पंप लगवाना भी बड़ा काम माना जाता था। साथ ही उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत भाजपा ने शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए स्कूटी और साइकिल वितरण कर प्रोत्साहित करने का काम वसुंधरा सरकार ने किया है। क्या समय था कि जब एक हैंडपंप अगर लगाना होता था तो उस हैंडपंप के लिए कहते थे कि हमारे यहाँ हैंडपंप लगा दो, तो गाड़ी आकर खड़ी हो जाती थी और कहते थे लगाएंगे, जाओ पहले वोट देकर आओ फिर लगाएंगे। जब वोट देकर वापस आते थे तो गाड़ी नहीं दिखती थी। कई लाइट के खंभे डाले जाते थे और कहते थे जाओ वोट देकर आओ लाइट के खंभे लगा देंगे, और जब वापस आते थे तो वो खंभे गायब हो जाते थे, खंभे कहीं दिखते नहीं। और आज हर गरीब के घर पर लाइट पहुंचाने का काम राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने किया है। हर बीपीएल के घर में बिजली होनी चाहिए, कोई अंधेरे में नहीं बैठना चाहिए। ये कितना बड़ा निर्णय है इसको सोचो आप। आज से पहले ये क्यों नहीं किसी ने सोचा? आज इतना सुंदर काम, इतना अच्छा विकास, हमारी बेटियां पढ़ लिख कर आगे बढ़े, ये कितनी बड़ी सोच है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि बेटियों को बचाओ बेटियों को पढ़ाओ। मैंने भी अपनी बेटियों के बारे में सर्वेक्षण किया और मैंने देखा कि कॉलेज में कितने बेटे और कितनी बेटियां पढ़ती है, उसका आकलन लगाया तो 51% बेटियां पढ़ती है बेटे के मुकाबले में, यानी बेटों से भी ज्यादा बेटियां हमारी आज कॉलेज में पढ़ रही है। इसके लिए कितना धन्यवाद दो उतना कम है, क्योंकि ये सब बड़े बुजुर्गों को धन्यवाद देने की जरूरत है कि आप सबके सोच में परिवर्तन आए। इस दौरान भाजपा अलवर जिला अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा, शहर विधायक बनवारीलाल सिंगल, ग्रामीण विधायक जयराम जाटव, तिजारा विधायक मामन सिंह सहित यूनिवर्सिटी कुलपति डॉक्टर भारत सिंह सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजर्षि भरतहरि मत्स्य विश्वविद्यालय की आधारशिला प्रशासनिक भवन की और परीक्षा भवन की आज रखी है राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री किरण महेश्वरी जी ने, और इस मौके पर अलवर शहर विधायक, अलवर ग्रामीण विधायक, तिजारा विधायक मौजूद थे और बहुत ही अच्छा शानदार कार्यक्रम हुआ। मत्स्य राजर्षि भरतहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के उपकुलपति भरत सिंह जी और पूरा स्टाफ और अन्य पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, मंडलों के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। ग्रामीण माताएँ बहनें भाई बच्चियाँ, बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ है और 25 करोड़ रुपए का ये काम शुरू हो गया है। 11 महीने के अंदर ये दोनों भवन बनकर तैयार हो जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट के SC/ST एक्ट फैसले के बाद जिले में केंद्र सरकार के विरोध में दलित समुदाय का आक्रोश देखने को मिला। विरोध स्वरूप अनुसूचित जाति और जनजाति के सैकड़ों लोगों ने कुम्हेर गेट से जिला कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। सभी लोग रैली निकालते हुए जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, लेकिन वहां जब पुलिस ने उनको घुसने नहीं दिया तो विवाद गहरा गया और उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बाद में अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश जांगिड़ ने आकर उनसे ज्ञापन लिया। कलेक्ट्रेट गेट पर आंदोलनकारी ज्ञापन देने के लिए जिला कलेक्टर को गेट पर बुलाने की मांग पर अड़े थे। इस दौरान लोगों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जमकर विरोध किया गया। इसके बाद रैली में शामिल लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के SC/ST एक्ट पर आदेश को बदलने के लिए राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। राज्यसभा से सेवानिवृत्त हो रहे 40 सांसदों की विदाई के मौके पर पीएम मोदी राज्यसभा में भाषण देते हुए सबसे पहले सांसदों के उत्तम सेवाओं और योगदान के लिए शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने कहा कि वरिष्ठ सांसदों की राय और बातों का अपना अलग ही महत्व होता है। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त हो रहे सांसदों के लिए बेशक से सदन के दरवाजे बंद हो जाएं, लेकिन पीएमओ के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के लिए हर सांसद का योगदान है। आप सभी एक महत्वपूर्ण निर्णय प्रक्रिया से वंचित रह गए, इसका मलाल जरूर रहेगा, मगर अच्छा होता कि हम सारी चीजें आपकी उपस्थिति में कर पाते। आप जहां भी रहेंगे आप अपने विचारों से योगदान देंगे। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने पूर्व अटॉर्नी जनरल के पराशरण, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, हॉकी के दिग्गज दिलीप तिर्की, उप सभापति PJ कुरियन सहित कई सेवानिवृत्त सदस्यों के विशिष्ट कार्यों का उल्लेख किया। राज्यसभा को निचले सदन का अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं, पीएम मोदी ने राज्यसभा की कार्यवाही में व्यवधान पर भी खेद जताया। उन्होंने कहा कि लोकसभा में जो भी घटित होता है उसका राज्यसभा में अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री की यह टिप्पणी राज्यसभा के सेवानिवृत्त सदस्यों के लिए उनके विदाई भाषण के दौरान आई। उन्होंने कहा कि सदन में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो किसी पार्टी की विचारधारा से नहीं जुड़े हैं। यहाँ के ज्यादातर सदस्य किसी न किसी वैचारिक पृष्ठभूमि से है, इसलिए यह स्वाभाविक भी है कि वे सदन में अपना दृष्टिकोण स्थापित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम यह भी उम्मीद रखते हैं कि यह जरूरी नहीं कि जो भी कुछ लोकसभा में घटित होता है उसका राज्यसभा में भी अनुसरण किया जाए। मोदी ने कहा कि ऊपरी सदन का विशेष महत्व है और नीति निर्धारण में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 3 तलाक विधेयक के जिक्र पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सेवानिवृत्त सदस्य 3 तलाक विधेयक लिए जाने के दौरान निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि 3 तलाक विधेयक देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। यदि आपने इस तरह के महत्वपूर्ण फैसले में योगदान दिया होता तो बेहतर होता। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि सेवानिवृत्त सदस्य अब समाज सेवा में और ज़्यादा मजबूत भूमिका निभाएंगे। इनमें सभी ने अपने तरीके से योगदान दिया है। आपसे ये आग्रह करूँगा कि आप ये मत मानिए कि सदन के दरवाजे बंद होने से इस पूरे परिसर के दरवाजे बंद होते हैं। आपके लिए इस परिसर के दरवाजे खुले हैं, प्रधानमंत्री का कार्यालय खुला है। देश के लिए हित में आपके मन में जब भी जो भी विचार आए आप जरूर आए, मुझे अच्छा लगेगा आपको सुनने का, आपको समझने का, और आपके विचारों को जहां भी होंगे आप योगदान देंगे, मैं उसको आगे पहुंचाने का जरूर प्रयास करूंगा। हमारे बीच में आदरणीय पराशरण जी जैसे महानुभाव जिन्होंने अपने जीवन में एक प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ एक तपस्वी जीवन भी जिया है, ऐसे लोग हमारे बीच से सदन में से हम उनको मिलाव नहीं मिलेगा। 2 भारत जिनके लिए गर्व करता है ऐसे खिलाड़ी श्रीमान दिलीप जी और सचिन जी, ये 2 भी आने वाले दिनों में हमारे बीच में उनका लाभ हमें नहीं मिल पाएगा। प्रोफेसर कुरियन साहब को हमेशा लोग याद करेंगे, उनका हंसता हुआ चेहरा हमेशा, और सीखना चाहिए कि बात तो वही बतानी है लेकिन हंसते हुए से बतानी है, उनकी विशेषता रही और उसी के कारण संकट की घड़ी में भी सदन को ठीक से चलाने में उनकी अहम भूमिका रही है। ये बात सही है कि हम में से बहुत कम लोग हैं जिसके पीछे दल और दल की विचारधारा का नाता न रहा हो,
बहुत कम लोग हैं, ज़्यादातर हम वही लोग हैं जिनका कोई ना कोई वो बैकग्राउंड है, और इसलिए स्वाभाविक है कि यहाँ पर उन बातों को प्रतिस्थापित करने के लिए हम लोगों का प्रयास रहना बहुत स्वाभाविक भी है। लेकिन ये भी अपेक्षा रहती है कि जो ग्रीन हाउस में होता है वो रेड हाउस में होना ही चाहिए, जरूरी नहीं है। और इसलिए क्योंकि एक वरिष्ठ सदन का अपना एक महात्म्य रहता है, हर एक ने अपनी अपनी उस भूमिका को निभाया है, मैं मानता हूँ शायद आप में से बहुत लोग होंगे जिन्होंने सोचा होगा कि जब आखिरी सत्र होगा तो ये विषय मैं उठाऊंगा, मैं ऐसी तैयारी करके जाऊंगा कि जाते जाते एक बड़ा ऐतिहासिक भाषण करके जाऊं, मैं ऐसे विचार रख करके देश के लिए कुछ एक महत्वपूर्ण काम के अंदर अपना योगदान दे करके जाऊं, लेकिन शायद वो सौभाग्य आप लोगों को जाते जाते नहीं मिला। और उसके लिए यहाँ की जिम्मेवारी नहीं है, यहाँ से यहाँ तक हम सबकी जिम्मेवारी है कि आपको ऐसे ही जाना पड़ रहा है। अच्छा होता आप जाने से पहले कोई महत्वपूर्ण निर्णय में बहुत ही उत्तम प्रकार की भूमिका निभा करके आखिर में कोई उत्तम चीज़ें छोड़ करके जाने का अवसर मिल गया होता तो आपको एक विशेष संतोष होता। लेकिन शायद इस सदन का ही कारण रहा कि आप उस सौभाग्य से वंचित रह गए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं की गणित और 12वीं की अर्थशास्त्र की परीक्षा दोबारा कराएगा। हालांकि अभी यह जानकारी सामने नहीं आई है कि यह परीक्षा किस दिन दोबारा होगी। पेपर लीक होने की खबर के बाद सीबीएसई ने गणित और अर्थशास्त्र की परीक्षा रद्द कर दी और दोबारा पेपर कराने का फैसला लिया है। सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पर यह जानकारी दी है। सीबीएसई ने बताया कि परीक्षा की तारीख की घोषणा 1 सप्ताह के अंदर वेबसाइट पर कर दी जाएगी। इस साल सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में पेपर लीक होने की चर्चाएं थी। पुलिस कुछ एक मामलों में जांच भी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक परीक्षा को दोष मुक्त रखने के लिए बोर्ड ने यह फैसला किया है। आपको बता दें कि इस साल 5 मार्च से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो गई थी। 12वीं अर्थशास्त्र की परीक्षा 27 मार्च को और 10वीं गणित की परीक्षा 28 मार्च को हुई थी। इन परीक्षाओं में देश भर से 28,24,734 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। सीबीएसई के मुताबिक इस साल 10वीं की परीक्षा में 16,38,428 और 12वीं की परीक्षा में 11,86,306 परीक्षार्थी रजिस्टर्ड हुए थे। अब एक बार फिर सभी छात्र छात्राओं को परीक्षा की तैयारी में जुटना पड़ेगा। राजस्थान दिवस के मौके पर अलवर के सूचना केंद्र में बुधवार को सरकार के विकास कार्यों की प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी का उद्घाटन अतिरिक्त जिला कलेक्टर राकेश कुमार गढ़वाल ने फीता काट कर किया। राजस्थान दिवस के मौके पर होने वाले कार्यक्रमों के तहत राजस्थान के विकास कार्यों पर सूचना केंद्र में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन अतिरिक्त जिला कलेक्टर राकेश कुमार गढ़वाल ने किया। उनका कहना था कि राजस्थान दिवस हमारी भारतीय संस्कृति के लिए गौरव की बात है और आम जन को बढ़ चढ़ कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने बताया कि राजस्थान दिवस के मौके पर प्रशासन की ओर से आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों में अगर किसी तरह का सुझाव कोई व्यक्ति या समिति द्वारा दिया जाता है तो प्रशासन उन सुझावों पर भी काम करेगा। इस मौके पर महिला एवं बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक ऋषिराज सिंगल, पर्यटन विभाग अधिकारी टीना यादव, APRO मनोज मेहर और डूंगर राम से अनेक लोग मौजूद हैं। लक्ष्मी कार्यक्रम आयोजित होने वाला है तो हमारा कार्यक्रम जो है आज विकास प्रदर्शनी से चलेगा। सारे जो कार्यक्रम है शेड्यूल्ड है, कार्यक्रम जारी किया हुआ है और आप जो है हमेशा APRO संपर्क में रहते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि जिस प्रकार से विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है आप सभी उपस्थित हैं, जो जो कार्यक्रम जो जो गतिविधियाँ राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में प्रशासन द्वारा आयोजित की जा रही हैं उसमें आप सभी का अधिकाधिक जो है पार्टिसिपेशन हो। शहर के सभी जो गणमान्य नागरिक हैं, जो युवा हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करें और इसका आनंद उठाएं और राजस्थान का जो गौरव हो उसको बनाए रखें, हमारी जो परंपरा की संस्कृति उसको अक्षुण रखें और सारे जो कार्यक्रम हैं उनमें अगर कोई सुझाव भी देना चाहें तो सुझाव भी दें ताकि आगे आने वाले जो कार्यक्रम में सुधार कर सकें, नए कार्यक्रम जोड़ भी सकें। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो कार्यक्रम हर बार आयोजित होते हैं जनरली एकाध को छोड़ के वही कार्यक्रम रिपीट करते रहते हैं, तो आपको अगर लगे कि भैया यूथ को लगे कि आप इस कार्यक्रम में हमारी एक्टिविटी नहीं जोड़ी जानी चाहिए, इस कार्यक्रम का शेड्यूल सुबह या शाम ये चेंज किया जाना चाहिए, तो आप सुझाव भी लें
और अधिकाधिक इसमें जो है भागीदारी जो है निभा करके इस कार्यक्रम को अच्छा बनाए, राजस्थान में लगे कि हाँ अलवर में जो है राजस्थान दिवस वो निराले रूप से मनाया गया है, अलवर का जो गौरव है, राजस्थान का जो गौरव है उसको अपन जो बताएं कि हाँ हम इसको सहज के रख रहे हैं और यहाँ की जो प्राकृतिक सौंदर्य की छटा है वो हमारे राजस्थान दिवस में चार चांद लगाती है, तो ये पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देंगे और सांस्कृतिक गतिविधि के माध्यम से संस्कारों को बचाने का भी प्रयास करेंगे। तो वापस वही कहूँगा कि अच्छा कार्यक्रम है, सभी से भागीदारी निभाएं, कार्यक्रम का लुत्फ उठाएं और अगर कोई सुझाव अच्छा। बाल विवाह एक कानूनी अपराध है, इसे लेकर प्रशासनिक स्तर पर समय समय पर कार्यवाहियां भी की जाती हैं, लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निर्भीक होकर बाल विवाह कराए जा रहे हैं। राष्ट्र हित में इस सामाजिक बुराई पर काबू पाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जाएगा जिसमें आरोपी को 2 साल की सजा का प्रावधान है। इसी कड़ी में आज राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के द्वारा बाल विवाह रोकथाम अभियान के तहत आज एक बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता सेशन न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अशोक कुमार व्यास ने की। वहीं प्राधिकरण सचिव दिनेश कुमार जलुसूरिया ने बताया कि 1 अप्रैल से 30 जून तक बाल विवाह रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए 24 घंटे कार्यरत रहने वाला नियंत्रण कक्ष भी स्थापित होगा। बाल विवाह मामले में पकड़े गए अपराधियों को 2 साल की सजा और 1,00,000 रुपए तक का आर्थिक दंड दिया जा सकता है। इस मौके पर एडीएम बीएल रमन, एएसपी श्याम सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार दिनांक 1 अप्रैल 2018 से 30 जून 2018 तक बाल विवाह रोको अभियान वृहद स्तर पर चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के द्वारा एक बैठक इस बाल विवाह रोको अभियान के तहत आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्रीमान अशोक कुमार व्यास द्वारा की गई। इस बैठक के अंदर जिला प्रशासन की ओर से एडीएम श्री रमन जी और पुलिस प्रशासन की ओर से श्री श्याम सिंह जी एडिशनल एसपी शामिल हुए। इसके अलावा जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, सरकारी डिपार्टमेंट, उनके प्रतिनिधि शामिल हुए, स्काउट्स की ओर से भी उसके अंदर प्रतिनिधि शामिल हुए, जिसके अंदर एक वृहद कार्य योजना बनाई गई कि किस तरीके से जिले के अंदर, पूरे जिले में जो बाल विवाह होते हैं उस बाल विवाह को किस प्रकार रोका जाए। इसके अंतर्गत दिनांक 1 अप्रैल को सुबह 8:30 बजे एक विशाल रैली अलवर शहर के अंदर की जाएगी। उस रैली के अंदर स्कूली बच्चे, पैरालीगल वॉलेंटियर्स और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्वयंसेवी संगठन भाग लेंगे, जिसमें शहर के प्रमुख मार्गों से होती जाएगी और लोगों के बीच बाल विवाह रोकने के बारे में जानकारी देगी, ताकि लोगों को पता चले कि बाल विवाह के दुष्परिणाम क्या है। इसके अतिरिक्त उसी दिन 10 बजे आईटी कॉलेज के अंदर एक उद्घाटन कार्यक्रम किया जाएगा। उस उद्घाटन कार्यक्रम के अंदर जिले भर के सभी न्यायिक अधिकारीगण, प्रशासनिक अधिकारीगण, पीएलवीज और माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माननीय सदस्य सचिव महोदय श्रीमान एस के जैन साहब इस उद्घाटन कार्यक्रम के अंदर शिरकत करेंगे, जिसके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं लोगों को कि भाई किस बाल विवाह के दुष्परिणाम क्या क्या हैं और बाल विवाह को क्यों रोकना जरूरी है। इस कार्यक्रम के अंदर हमारे ये भी रहेगा कि जो पंडित और मौलवी हैं उनको भी हम इस कार्यक्रम के अंदर शामिल करना चाह रहे हैं, जिससे क्या हो कि ये लोग बाग भी जो कोई बाल विवाह होता तो उसकी रोकथाम में सक्रिय भूमिका निभा पाए। हमने आज माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की जो मीटिंग के अंदर, इसमें माननीय सेशन जी साहब ने ये निर्देश जारी किए कि स्कूलों के अंदर, सभी स्कूलों के अंदर सुबह प्रार्थना के समय बाल विवाह के दुष्परिणाम बताए जाएँ, जिससे बच्चों को पता चले कि बाल विवाह कराने से क्या क्या इसके परिणाम होते हैं, जिससे बच्चे यदि कोई बाल विवाह हो रहा हो तो उसके बारे में सूचना स्कूलों तक दें और स्कूल के माध्यम से वो सूचना जिला प्रशासन और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को मालूम चल सके। वहीं जिला जज व्यास ने बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले सभी लोगों को 2 वर्ष तक का कारावास और 1,00,000 रुपए का जुर्माना अथवा दोनों दंडित करने का प्रावधान है। वहीं 1 अप्रैल को बाल विवाह रोकथाम अभियान को प्रभावी बनाने हेतु प्रातः 8 बजे ओसवाल जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय अलवर से विशाल विधिक रैली निकाली जाएगी।
गोविंदगढ़ जालोकी मार्ग पर स्कूली छात्र छात्राओं ने जाम लगाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान काफी समय तक यातायात बाधित रहा। छात्रों की मांग थी कि तालरा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्टाफ की कमी के चलते उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही। इसके चलते छात्रों ने स्टाफ की मांग करते हुए जाम लगाया। तालरा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्टाफ की कमी के चलते छात्र छात्राओं का विरोध सामने आया। इस स्कूल में लगभग 300 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं, लेकिन संख्या के अनुरूप स्टाफ की कमी के चलते बच्चों की पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही। वहीं परीक्षाएं भी सिर पर हैं। इसके चलते अभिभावकों में भी आक्रोश व्याप्त है। उनका आरोप है कि स्थानीय विधायक को भी कई बार इस संदर्भ में अवगत कराया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। आखिर छात्र छात्राओं ने आज गोविंदगढ़ जालों के मार्ग पर जाम लगाया है। मास्टर लेट आ में पढ़ाई ना हो रही। और स्टाफ कितना है? 7 मास्टर हैं लेट आ में वो भी। अच्छा, किस किस के मास्टर नहीं है? संस्कृत, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी। अच्छा, कौन सी क्लास पढ़ते तुम? 8वीं में। वहीं प्रधानाचार्य बाबूलाल सैनी ने स्वीकार किया कि स्कूल में स्टाफ की कमी के चलते परेशानी तो है, आगे अधिकारियों को इसकी जानकारी दी जा चुकी है। स्टाफ की कमी के कारण भाई स्टाफ जो है पर्याप्त मात्रा में हो, स्टाफ की कमी के कारण जो है। कितना का स्टाफ यहाँ पे? इसमें मात्र 7 का है मेरे सभी और 2 पंचायत का। और अपने स्कूल में कुल विद्यार्थी कितने हैं? 307। सर, क्या आपने अपने उच्च अधिकारी को बोध कराई स्टाफ के लिए? वो क्या है, सभी साल दर्पण पर फीड हैं और उनसे मैं व्यक्तिगत खैर नहीं मिला, लेकिन उनको पता है और काउंसलिंग चल रही है, लेकिन यहाँ किसी की पोस्टिंग नहीं थी। तो ग्रामीणों का आरोप है जो स्टाफ है वो कुछ लेट भी आता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अगर कोई आते हैं तो मैं काम से भेजता हूँ, क्योंकि बाबू नहीं है, अगर कोई ऐसा कोई बात नहीं। चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। राजर्षि भर्तहरि मत्स्य विश्वविद्यालय में हुआ शिलान्यास। उच्च शिक्षा मंत्री किरण महेश्वरी ने प्रशासनिक कार्यालय और परीक्षा कक्ष से की शुरुआत। दलित समुदाय ने निकाली रैली। SC ST एक्ट पर फैसले का किया विरोध। भरतपुर कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। राज्यसभा सांसदों की हुई विदाई। PM ने दिया उद्बोधन। हमेशा खुले रहेंगे PMO के दरवाजे। CBSE 10वीं और 12वीं की 2 परीक्षाएं होंगी दोबारा। CBSE ने वेबसाइट पर दी सूचना। परीक्षा की तिथि की नहीं हुई अभी घोषणा। स्पार्कल प्राइम इंडिया न्यूज में आज इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।